शहनाज और सिद्धार्थ एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और इतना ही नहीं हमेशा एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेते हैं। और ये बात तो आपने नोटिस की ही होगी कि शहनाज सिद्धार्थ से अपने प्यार का इजहार अब कई बार कर चुकी है। जी हाँ, शहनाज ने सिद्धार्थ को ये कहा है कि मैं अब यहाँ बिग बॉस जीतने नहीं बल्कि तुझे जीतने आई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि अब बस बिग बॉस का एक महीना रह गया है तो उसके बाद भी तू मुझे बहुत ज्यादा मिस करे, इसीलिए अब मैं तुझे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आपने सही सुना, शहनाज ने ये सब बातें कई बार सिद्धार्थ को कह दी हैं, जिसके बाद से सलमान खान ने सिद्धार्थ को ये भी कहा था कि तुम्हें शहनाज से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी है। जिसके बाद से फैंस का कहना है कि सिद्धार्थ शहनाज को इग्नोर करने लगे हैं, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा फैमिली राउंड में जब सिद्धार्थ की मां ने एंट्री की थी और सिद्धार्थ अपनी मां से अंदर बातें कर रहे थे, तब सिद्धार्थ की मां ने सिद्धार्थ को गले लगाया था और ऐसा कुछ कहा जिसको सुनकर सिद्धनाज फैंस खुशी से पागल हो जाएंगे जो इतने दिन से दुखी नजर आ रहे थे। दरअसल उस समय सिद्धार्थ को जब उनकी मां ने गले लगाया तब सिद्धार्थ उनके कान में धीरे से शहनाज का नाम लेते हुए नजर आए थे, जिसके बाद सिद्धार्थ की मां ने कहा, यू लव हर? यस यस यस, गुड चॉइस। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कहते हुए सिद्धार्थ की मां ने सिद्धार्थ को शहनाज के लिए अप्रूवल दिया है। तो अब ये साफ जाहिर है कि सिद्धार्थ को भी शहनाज से प्यार हो गया है, वरना कोई अपनी माँ के कान में ऐसा किसी लड़की का नाम क्यों लेगा। इस न्यूज को सुनकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हुए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।